अब से 48 घंटे बाद एक नया टेस्ट शुरू होने वाला है टीम इंडिया का, और ये टेस्ट जो है कीवी टेस्ट, ये देगा वर्ल्ड कप के बेस्ट। जी हाँ, इसी पर आज चर्चा शुरू करेंगे। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, विराट कोहली के कोच, राजीव सर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, और प्रशांत हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत राजकुमार सर से ही करते हैं। सर, जो कीवी टेस्ट है वर्ल्ड कप के बेस्ट देगा, ये मानना मान लीजिए, या फिर ये किन में से कुछ बदलाव आप देख सकते हैं कि टीम में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही कहा है राहुल, आपने बहुत अच्छा टाइटल दिया है ये, क्योंकि ये राजीव सर का दिया ये परफॉर्मेंस बहुत काउंट होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज वर्ल्ड कप से पहले, इसके बाद सिर्फ अगर देखें ऑस्ट्रेलिया ही एक सीरीज़ बची है जो कि भारत में खेली जानी है। तो इन कंडीशंस के हिसाब से ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं, जो अपनी जगह पक्की करते हैं, वो शायद वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्के कर लेंगे। तो ये उसके मद्देनज़र ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सर, 10 वनडे बचे हैं अब। देखिए राहुल, पहले तो जो आपने टाइटल दिया उस पर बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा टाइटल आपने एक तो दिया है, और ये टाइटल देखिए कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी ये है कि आपके सामने वर्ल्ड की नंबर 3 टीम है, और ये सीरीज़ बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करेंगे न्यूजीलैंड को, तो मेरे लिए न्यूजीलैंड 21 नहीं बल्कि 25 नज़र आएगी, क्योंकि उनके पास तमाम बड़े बड़े मैच विनर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनके पास, उनका कप्तान बहुत शानदार है, वर्ल्ड कप बेस्ट बैट्समैनों में शुमार करते हैं हम रॉस टेलर, जिनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है पिछले 10-12 मैचेस में। उनके पास बॉलिंग लाइन अटैक बहुत अच्छा है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि न्यूजीलैंड में जो मैदान है बहुत आड़े तिरछे मैदान होते हैं राहुल, वहाँ पर एंगल को कट करना, वहाँ पर फील्ड सेट करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब विराट से भी पूछेंगे ना कि वहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो ये बोलेंगे यार थर्ड मैन कहाँ खड़ा करें, हम फाइनल में कहाँ खड़ा करें, क्योंकि सीरीज़ का जो पहला मैच है मैकलिन पार्क नेपियर में, मैं वहाँ पर गया हूँ, वो तिरछा मैदान है एकदम से, एक तरफ से फाइनल का एरिया बहुत छोटा हो जाता है, जब आप दूसरे एंड से बॉल डालते हैं तो थर्ड मैन का एरिया छोटा हो जाता है, आपको पॉइंट एडजस्ट करने में जो आपकी जो कहते हैं ना सर्किल के बाहर, हाँ सर्किल के बाहर की जो फील्ड है बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब आता हूँ दूसरे पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड की कंडीशन और इंग्लैंड की कंडीशन काफ़ी हद तक सेम है, मैं पिच की बात नहीं कर रहा, मैदानों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कंडीशन वैसे ही आपको ठंडा मौसम मिलने वाला है, वैसे ही बॉल थोड़ा सा मूव करेगा न्यूजीलैंड में भी और इंग्लैंड में जिस तरह से मूव करता है। तो आप अगर आइडियली देखें तो वर्ल्ड कप की सही प्रिपरेशन ये 5 मैच आपको बताएंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपके वर्ल्ड कप के 2 बड़े कंटेंडर के राहुल और हार्दिक पांड्या नहीं है, और हार्दिक पांड्या की कमी खास तौर से खलेगी, क्योंकि राजकुमार जी भी इस बात से इतफाक रखेंगे, क्योंकि हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए वर्ल्ड कप में, क्योंकि आप इंग्लैंड में मैच खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो आपने कहा ना कि कीवी टेस्ट देगा वर्ल्ड कप के बेस्ट, ये बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज़ को एक तो जीतना भी बहुत चुनौती है। 2014 में हम हार चुके हैं राहुल, आपको ज़्यादा और आपको आंकड़े ज़्यादा पता है, 2009 में मुझे याद है जब हमने 3-1 से सीरीज जीती थी, और तब हमारी बहुत स्ट्रांग साइड हुआ करती थी, मतलब सारी तोप उस टीम में थे, क्योंकि मैं वो सीरीज़ में लकी था कि मैं न्यूजीलैंड में था और कवर कर रहा था, तो वो सीरीज़ अपने आप में बेहद यादगार थी। हमने टेस्ट मैच भी वहाँ जीता था, हमने वनडे सीरीज़ भी वहाँ जीती, और कमाल की सीरीज़ थी वो, तो उसकी कई अच्छी यादें, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपने जो ये जो टॉपिक दिया है और ये नाम, मुझे लग रहा है तमाम फैंस को भी बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत बड़ा टेस्ट है जिससे हमें बेस्ट मिलेंगे। सर, केन विलियमसन की बात सब कर रहे हैं, किसी से आप पूछे कहेंगे केन विलियमसन बनाम कोहली, लेकिन सर ने जो बात उठाई कि रॉस टेलर, वो कितने टेलर कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 मैचों में 6 की 6 हाफ सेंचुरी है, 2 शतक हैं, एक बार भी 50 से कम रन बनाए नहीं है पिछली 6 पारियों में, और पिछली 8 पारियों में अगर आप काउंट करें तो एक पारी 50 से कम की है और 3 शतक हैं। बहुत टेलर का टेरर है सर, टेरर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं और बहुत खतरनाक प्लेयर हैं। जिस तरह का उनका बैट का स्विंग है ना, वो मेरे ख्याल से शायद फास्टेस्ट होगा। अगर आप देखें वो जो शॉट मिड विकेट में मारते हैं, वो लाजवाब मारते हैं और बहुत तेज़ उनका वो बैट स्विंग आता है, और कुल मिला के उन छोटे ग्राउंड्स पे वो बहुत और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि मिड विकेट काफ़ी छोटा होता है और वो उनका फेवरेट एरिया है। तो वो ये शॉट वो फास्ट बॉलर्स को भी बहुत अच्छे मारते हैं, साथ साथ स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती होंगी भारतीय गेंदबाजों के लिए रॉस टेलर भी, और कुल मिलाकर पूरी न्यूजीलैंड टीम, क्योंकि उनके पास बहुत खतरनाक प्लेयर्स हैं। मुझे तो लग रहा है राजकुमार जी, हमारे जो रिस्ट स्पिनर्स हैं उनका बड़ा टेस्ट होगा वहाँ पे, बहुत छोटे मैदान है। अगर आपको 10 ओवर में 70 रन 2 मैचों में पड़ गए ना, तो जो कुछ आप ऑस्ट्रेलिया में करके आए भूल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग न्यूजीलैंड करती है, आप ऊपर से देखें ना, मार्टिन गुप्तिल स्ट्रोक प्लेयर हैं, उनके टॉम लैथम है जो बहुत ज़्यादा रन बना के आ रहे हैं, फिर नंबर 3 पे विलियमसन, फिर रॉस टेलर आते हैं, उसके बाद उनके जो मुझे लग रहा है हो सकता है कायद उनके कोई कोरी एंडरसन टीम ही नहीं है, बट मुनरो हैं, कॉलिन मुनरो जो बहुत बड़े हिटर हैं, उनके पास मिच सैटनर है जो उनके ऑलराउंडर हैं, तो उनके पास उनका कमाल का कॉम्बिनेशन है यार। ऐसे ही नहीं कि 7 या 8 बार वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेले हैं, यानी कि वनडे क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से वो समझते हैं, वो अपनी टीम को
प्लान करके खेलते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। और जिस तरह आपने कहा कि रॉस टेलर बनाओ विराट कोहली, तो बिल्कुल ये है, क्योंकि रॉस टेलर की 12 पारियां देख लें आप, उनका आपको भी बता दूँ कि उनका आँख का ऑपरेशन हुआ था साल 2014 के बाद, और उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया है, कमाल का कमबैक है। आप आंकड़े ज़्यादा अच्छा बताते हैं राहुल, क्योंकि विराट के ठीक नीचे खड़े, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित था कि स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, मतलब तमाम बड़े बड़े प्लेयरों के नाम ले लें 2015 वर्ल्ड कप के बाद, अगर दूसरे नंबर पे औसत के लिहाज से रॉस टेलर का नाम आ रहा है, तो फिर हमें सजग रहना चाहिए इस बैट्समैन से कि ये बैट्समैन बहुत ही डेडली डेंजरस होगा इस सीरीज में। प्रशांत, आपका रिएक्शन? रिएक्शन यही है कि ऑस्ट्रेलिया, जो सर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में हम जीत के आए हैं, तो वो कंटिन्यू रखना है। सर ने बताया कि जो ग्राउंड है वो थोड़ा स्पिनर्स के लिए वो होगा, क्योंकि ग्राउंड बड़े अजीब है वहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि वहाँ पे किसी भी इंडियन कैप्टन ने अभी तक 100 नहीं बनाई है वनडे में, तो कोहली के लिए चैलेंज होगा सबसे बड़ा। दूसरा, कीवी सीरीज जीतना और वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि बेस्ट देना है, क्योंकि उसके बाद हम इंडिया आ रहे हैं वापस, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तो वो हमारी कंडीशन से, हमारे ग्राउंड से, तो हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन वहाँ पे कोहली के लिए शतक लगाना, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर सीरीज भी अपने नाम करी और शतक भी लगाए। तो कोहली की शतक के बारे में राजकुमार सर थोड़ा अच्छी तरह बता सकते हैं। आप कितने शतक चाहते हैं, एक या दो? सर हम तो पांच चाहते हैं, पांच वनडे पांच शतक। नहीं, मैं आशा करता हूं कि जिस फॉर्म में विराट है और जितना वो डेडिकेटेड है और फोकस्ड है, और एज ए कप्तान वो ही वॉन्ट्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो मुझे पूरी आशा है कि कम से कम एक तो होगा ही, लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ कि कम से कम दो होने चाहिए। और अच्छी बात यह है यहाँ पे ना राहुल, कि उस मैदान से ये सीरीज शुरू हो रही, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में बात की थी कि एडिलेड से ही सीरीज शुरू हुई और उसके बाद मेलबर्न में ख़त्म हुई, और दोनों ही मैदान ऐसे थे जो इंडियन बैटिंग स्टाइल को सूट करते हैं। नेवियर उन जगहों में से एक है जहाँ पर बॉल थोड़ा कम हिलता है, वहाँ का मैदान छोटा, और विराट के लिए बहुत आइडियल पिच मिलेगी वहाँ पे, जहाँ पे वो अपने रन बना सकते हैं। मुझे लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि वहाँ की जो कंडीशंस है, शुरू के जो 10-12 ओवर बॉल मूव करती है, रोहित शर्मा और शिखर धवन कैसे खेलते हैं, क्योंकि आप 2014 रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2014 मुझे याद आ रहा है, और आपने भी आंकड़े मुझे बताए थे कि सिर्फ 85 रन बनाए थे शिखर धवन ने, 81 रन 4 मैचेस में, और रोहित शर्मा के 145 रन, तो ये आंकड़े उनके जो उनका जो कद है उस हिसाब से सूट नहीं करता उनको, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा हमारे ओपनर्स के लिए। और उसके बाद ठीक नीचे आ जाएं, जो हमारा धोनी के बाद जो हमारा आएगा लोअर मिडिल ऑर्डर, उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। केदार जाधव ले लें आप, कौन केदार जडेजा? देखिए, पहला मैच तो बड़ा डाइसी इसलिए है कि वो मतलब उसका शेप ऐसा होता है कुछ, अगर आप मैदान देखें, वहाँ ज़्यादातर मैच मैदान बहुत तिकोने आकार के, तो उसमें हाँ उसमें मुश्किल, एक्चुअली वहाँ का रग्बी, वहाँ का जो नेशनल गेम है, तो वो उनके मैदान ज़्यादातर वैसे ही होते हैं, और ज़्यादातर मैदानों में ड्रॉप इन पिचेस है। तो देखिए, वनडे मैच है, इसमें ड्रॉप इन पिचेस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, कंडीशंस वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और शुरू के जो 10-12 ओवर दोनों एंड से आप डाले जाएंगे बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। और उनके पास ट्रेंट बोल्ट हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट पेस बॉलर हैं, डग ब्रेसवेल हैं सर जो उनके फास्टेस्ट बॉलर माने जाते हैं, तो उनका, और ईश शोडी है उनके पास लेग स्पिनर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे है कि आप कितने अपने स्पिनर्स पे कितना भरोसा दिखाते हैं, क्योंकि जब मैदान छोटा होता है ना, कप्तान भी थोड़ा डरता है यार कि जी, मुझे तो टीम सऊदी से बड़ा खतरा लगता है, वो 4-5 बार आउट कर चुके हैं विराट कोहली। हाँ, और उनका अच्छा आउटस्विंग, लेट आउटस्विंग होता है जो परेशानी। सर यही बात बोली थी, और उन्हें एक बात और बोली थी कि वहाँ के जो पिचेस है वो पहले की जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, थोड़े स्लो हो गए हैं, लेकिन उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे जिस तरह से पहले करते थे, जिस तरह से बल्लेबाजों को परेशान करते थे। तो आपको लग रहा है राजकुमार सर कि ये अभी श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज हुई है, बहुत हाई स्कोरिंग सीरीज थी, न्यूजीलैंड ने ढेरों रन बनाए, श्रीलंका हालांकि 3-0 सीरीज हार गया, कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब आप दो ऐसी टीमें आमने सामने होती हैं जो सीरीज जीत के आ रही होती है? देखिए, दोनों का कॉन्फिडेंस तो हाई होगा, एडवांटेज न्यूजीलैंड को ये है कि वो अपने होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, लेकिन साथ साथ जानते हैं कि भारत ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हरा है, तो कहीं ना कहीं एक कॉशन तो न्यूजीलैंड के लिए भी होगा। काफ़ी रिसर्च कर रहे होंगे वो, काफ़ी देख रहे होंगे कि किस तरह इस टीम को टैकल किया जाए जो कि हर तरह से कंसिस्टेंट है, भले वो गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में हो, एक कंप्लीट टीम की तरह भारत पहली बार शायद न्यूजीलैंड जा रहा है, जहाँ पे कि बहुत शानदार बॉलिंग अटैक है भारत का, वरना तो ऐसा होता था कि हमारी बैटिंग और न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग का मुकाबला होता था, लेकिन इस बार हमारे गेंदबाज भी कैपेबल हैं कि न्यूजीलैंड की जो बल्लेबाजी है उसको टेस्ट कर सकें। बिल्कुल राजकुमार सर, जैसा आपने कहा, मोहम्मद शमी टीम में है, और 2014 में जब हम आखिरी बार खेले थे, सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे, उसके अलावा बाकी गेंदबाजों का नंबर बाद में आता है। लेकिन सर, मैं एक मिडिल ऑर्डर पर ज़रूर सवाल करना चाहूँगा कि आपका नंबर 4-5 और धोनी खेलेंगे,
उसके बाद खोलेंगे। कब तक दिनेश कार्तिक, 2019 वर्ल्ड कप के दिनेश कार्तिक जिस नंबर 6 सेट है, देखिए वो नंबर 6 वो नहीं हटाए जाएंगे जहां तक विराट ने जिस तरह का, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने प्रूव भी किया है। देखिए हम ये जरूर कहते हैं कि शायद हम उधर यानी सीनियर क्रिकेटर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी हालात को देखते हुए अगर रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है और वो डिलीवर कर रहे हैं तो कोई हार्म नहीं है उनको चांस देने में, और उन्होंने करके दिखाया है कि वो एक अच्छे मैच फिनिशर हैं, एक अच्छे स्टूडेंट ऑफ द गेम हैं, और उन्होंने मैच जिताए हैं भारत को, तो शायद ये एडवांटेज मिलेगा उनको। 2014 में महेंद्र सिंह धोनी ने विराट के बाद सेकंड नंबर पे हाईएस्ट रन गेटर थे, और अक्सर जब स्विंगिंग कंडीशंस होती हैं तब उनकी टेक्निक पे बहुत चर्चा होती है, लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक रिकॉर्ड है सर कि विराट कोहली के बाद सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे महेंद्र सिंह धोनी, और इस बार ज्यादा उम्मीद इसलिए होगी कि ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट रन गेटर बन के वो जा रहे हैं, तो ये सर बड़ा जबरदस्त। नहीं बिल्कुल, और साथ साथ बहुत कॉन्फिडेंस लेके जा रहे होंगे राजीव, जिस तरह का भी मैन ऑफ द सीरीज उनको मिला है काफी 6 साल बाद शायद उनको मैन ऑफ द सीरीज 7 साल के बाद, तो एक अच्छा अचीवमेंट है कि आप इस एज में आपको मैन ऑफ द सीरीज मिल रहा है, दैट टू ऑस्ट्रेलिया में, तो बल्लेबाजी में उनका कोई जवाब तो है नहीं, वो पहले एक फिनिशर का रोल प्ले कर रहे थे, अब एक शीट एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी वो अपनी यही फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे और इस सीरीज में भी ढेरों रन बनाएंगे। सीरीज का स्टैट क्या देखते हैं सर एंड में, कौन कितने मैच अपने नाम करेगा? देखिए बहुत मेरा मानना है कि भारत ये 3-2 से सीरीज जीतेगा। देखिए मुकाबला बहुत टफ होने वाला है मेरे लिए, न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से वनडे क्रिकेट में बहुत कमाल की टीम रही, देखिए उनके पास जो यूटिलिटी क्रिकेटर्स की हम बात करते हैं ना, वो हमेशा से उनके पास 3-4 रहे हैं। अब 92 वर्ल्ड कप से याद करें जब क्रिस हैरिस होते थे, उनके गेविन लार्सन होते थे, शेन थॉम्सन होते थे, जो 3-4 ओवर बॉल डालते थे, 4-5 ओवर रन भी नीचे लोअर ऑर्डर में बनाते थे, तो न्यूजीलैंड के पास ये ताकत हमेशा से रही है, इसीलिए वो वनडे क्रिकेट के हमेशा टॉप 3-4 टीमों में अगर आप देखें तो रहती है, तो इस लिहाज से भारतीय टीम को सजग तो रहना पड़ेगा, और नेपियर में किस तरह का स्टार्ट मिलता है भारत को इस पर बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि सीरीज का पहला मैच हम सब ने देखा कि यार भारतीय टीम सीरीज हारती है तो फिर उनके लिए दिक्कत है, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा पहला मैच जीते तो हम अच्छी क्रिकेट खेलते चले गए, एक पर्थ मैच छोड़ गए, तो ये विराट की भी इंडिकेशन होगी भारतीय टीम के लिए कि आप स्टार्ट से ही, पहला कहते हैं ना पहला वार जो है इतना जबरदस्त आप करें कि न्यूजीलैंड बैकफुट पर ही रहे, क्योंकि न्यूजीलैंड वो टीम है जो जैसे मौका मिला वो आपको काउंटर अटैक करेंगे वहाँ पे। सर आपका स्कोर लाइन, आपका स्कोर लाइन सबसे, देखिए मुझे तो न्यूजीलैंड इसमें फेवरेट लग रही है, मेरे लिए तो न्यूजीलैंड यहाँ पे 3-2 से सीरीज जीतती नजर आ रही है। प्रशांत आप भी बता दीजिए, 4-1 से भारत, 4 न्यूजीलैंड 1। तो बिल्कुल देखिए स्कोर लाइन का परसों सुबह पता चलेगा जब भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी, और सुबह सुबह मैच है 7:30 बजे, तो ये भी दिलचस्प रहेगा देखना कि किस तरह से भारतीय टीम खेलती है ये मुकाबले। तो फिलहाल इस चैट में इतना ही, और आप लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, और जिस तरह से आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, प्यारा हमें मिल रहा है, हम उन्हें लगातार कोशिश करेंगे कि आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है एक्सपर्ट के साथ आपके साथ साझे करते रहें।